जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए लड़ता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गणपत मूवी की डिजिटल रिलीज के बारे में। ये मूवी अभी तक डिजिटली रिलीज क्यों नहीं हुई है, क्या रीजंस रहे हैं और कब इसको रिलीज किया जाएगा, सारी जानकारी और सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन ने स्टारर गणपत लास्ट ईयर 20 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 250 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने सिर्फ 13 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और ये टाइगर श्रॉफ और कीर्ति सेनन की सबसे बुरी और सबसे डिजास्टर मूवी साबित हुई। वहीं इस मूवी के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स के पास थे, लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को देखने के बाद नेटफ्लिक्स ने इसकी OTT डील को कैंसिल कर दिया और उसके बाद किसी भी OTT प्लेटफॉर्म ने इसके OTT राइट्स को नहीं खरीदा, जिसके चलते इसकी OTT रिलीज डेट डिले हो गई। उसके बाद सोनी ने इसके TV राइट्स खरीदे और 10 मार्च 2024 को सोनी मैक्स के TV चैनल पर रात 8 बजे इस मूवी को प्रीमियर किया जाना था, लेकिन जब 10 मार्च करीब आई तो सोनी ने इसके TV प्रीमियर को पोस्टपोन कर दिया, जिसके बाद फिर एक बार इसका डिजिटल रिलीज डिले हो गया और अब जाकर इस मूवी को फाइनली सोनी मैक्स के ही TV चैनल पर 28 अप्रैल को रात 8 बजे प्रीमियर किया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डेट अब फाइनल डेट है, क्योंकि अब इससे ज्यादा और ज्यादा इसको डिले नहीं किया जाएगा। तो अब जाकर फाइनली 28 अप्रैल से ये मूवी डिजिटली रिलीज कर दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आई होप आपको अपडेट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।